नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुजफ्फरपुर पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले चार साथी अपराधियों को धर दबोचा। पूरा मामला जिले के अहियापुर थाने क्षेत्र का है, जहां बीते दिन एक राहगीर से उनका चाकू दिखाकर जो है उनका बाइक छीन लिया गया था, जिसके बाद सूचना को सत्यापित करने के लिए टीम गठित कर उसमें कार्रवाई करते हुए कुल चार अपराधियों को धर दबोचा गया है। दरअसल ये लोग जो है राहगीरों के साथ उनका चाकू दिखाकर जो है उनका बाइक छीन लेते हैं, किन्हीं का मोबाइल छीन लिया करते थे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के ASP अवधेश दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनिए। दिनांक 5/9/2023 को अहियापुर थाने पर सूचना मिली कि शाम को 7:30 बजे के आसपास SKMCH वाले रोड पे तीन अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति की गाड़ी को छीन लिया गया है और तीनों लोगों के द्वारा चाकू दिखा करके घटना को कारित किया गया था। तो इसी सूचना का सत्यापन के दौरान में टीम का गठन किया गया और गठन के बाद में जो अज्ञात अपराधी थे उनकी छापेमारी के लिए अलग अलग जगह पर रेड की गई। रेड के दौरान में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम दिलकश है, एक अपराधी उनमें से रोशन है और एक अपराधी पंकज है और पांचवा एक और आदमी है जिसका नाम छोटू है। इन चारों को जब पकड़ा गया और पकड़ने के दौरान में इनसे पूछताछ की गई तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि इन लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पर लूटपाट छीनने का चोरी का गाड़ियों का काम किया जाता है और काफ़ी टाइम से गैंग एक्टिव है। इन्होंने कुछ टाइम पहले गायघाट में भी एक अपाचे गाड़ी थी जिसको छीना था, उसके बाद में इन्होंने बोचा से भी एक गाड़ी थी जिसको इन्होंने चोरी किया था, फिर इन्होंने SKMCH से गाड़ी को छीना है। बीच में भी इन्होंने अहियापुर में कई सारे मोबाइल लूटने वाले या फिर पैसा छीनने वाली घटनाएं जिसको इन्होंने कारित किया है। अनुसंधान के क्रम में और छापेमारी के दौरान में हम लोगों ने तीन गाड़ियों को रिकवर किया है जो बोचा से चुराई गई थी, गायघाट से छीनी गई थी और SKMCH से छीनी गई थी। इसके अलावा और भी कई सारे चीज़ें हैं जिस पे इनको इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो पता लगा कि इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं जो पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। लोकल रहने वाले हैं या बाहर के हैं? ये सब गायघाट के रहने वाले हैं, गायघाट का ज़्यादातर आदमी गायघाट का रहने वाला है, लेकिन इनका किसी का रिश्तेदारी या फिर कोई ना कोई आदमी अहियापुर में या फिर आसपास नगर अनुमंडल क्षेत्र में रहता है। गिरोह वगैरह भी चलता है क्या इनका? हाँ, ये पांच लोगों का है, ये पांच लोगों का मेनली एक गिरोह है जो इसी चीज़ में स्पेशली मोबाइल गाड़ी को छीनना और गाड़ी की चोरी करने में एक्टिव है। तरीका क्या होता था लूटने का या छीनने का, कैसे? मेनली ये लोग चाकू दिखा करके छीनते थे। सरगना में सर कौन है इन चारों में से? इनका सरगना में एक दिलकश है और बिट्टू है जो मेन आदमी है। बरामद की तीन मोटरसाइकिल अभी बरामद की है हमने, जिनमें से तीनों एक अभी जैसा भी बताया था आपको कि बोचा से चोरी हुआ था, एक लूटा गया था गायघाट से और एक लूट हुई थी अहियापुर से, तीनों हमने रिकवर किया है। तो आप सुन रहे थे ASP अवधेश दीक्षित क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बीते दिन सूचना मिला था कि SKMCH रोड में एक व्यक्ति के साथ उनका बाइक छीन लिया गया था, जिसके बाद सूचना को सत्यापित करने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए कुल चार अपराधियों को धर दबोचा गया। चारों की पहचान जो है गायघाट थाने क्षेत्र के इलाके की है। तो इसी तरह की खबर के साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।